देखा जा रहा है तो कोविड की दृष्टि से भी यहाँ पर मेरे पीछे जो फॉगिंग हो रही है देखिए, अब यहाँ से सांप फिर कुछ ही देर में नजर आएगी। ये देखिए ठीक पीछे फॉगिंग कर रहे हैं, नगर निगम की टीम है ये और नगर निगम की टीम लगातार यहाँ पर साफ सफाई और व्यवस्था में ध्यान रखे हुए हैं और कहा जा सकता है कि व्यवस्थाओं के तौर पर यहाँ पर तैयारियां मुकम्मल। जी, जिस तरह से कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट इस वक्त जरूरी नहीं है, उसके बिना भी लोग जो है वो दर्शन करने जा सकते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कोरोना जो है लगातार जो केसेस हैं कोरोना के बीते कुछ दिनों की बात करें तो यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में एक राहत जो है वो श्रद्धालुओं को बेशक दी गई है, उनके लिए खुशी की बात है, लेकिन यहाँ पर ये जो लापरवाही क्या चिंता का विषय नहीं बन सकती है, क्योंकि कोरोना के बिना नेगेटिव रिपोर्ट के भी जाया जा सकता है दर्शन करने के लिए। ऊपर से जो कोरोना का संकट है वो भी मंडरा तो रहा है क्योंकि लगातार केसेस जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, ऐसे में क्या लापरवाही चिंता का विषय बन सकती है यहाँ पर? देखिए बिल्कुल कहा जा सकता है कि अभी कोविड खत्म नहीं हुआ है, दो तीन वेव धीरे धीरे दस्तक दे रही है और उत्तराखंड में भी कुछ मामले कोविड के लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में जो बाहर से लोग आ रहे हैं और एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं तो एक विस्फोट यहाँ पर कोरोना का जरूर हो सकता है, यदि एहतियात के तौर पर लोगों को सचेत नहीं किया गया, अवेयरनेस का यहाँ पर नहीं बनाया गया माहौल, लोगों को जागरूक नहीं किया गया तो एक महाविस्फोट हो सकता है। लेकिन अभी सरकार ने पूरी तरह से छूट दी है, कोविड टेस्टिंग पर छूट है तो लोग उत्साहित हैं, इसीलिए कोविड को भूलकर आस्था और श्रद्धा के रूप में चारधाम यात्रा करने जा रहे हैं। जी, तमाम तरीके की देखिए व्यवस्था हम देख रहे हैं श्रद्धालुओं के लिए की गई है, उनको राहत देने के लिए, लेकिन अगर मैं वहां पे देखूं तो किस तरीके का माहौल जो है वो लोगों में बना हुआ है, क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद लोग चार धाम की जो यात्रा है वो जाने वाले हैं, तो लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा होगा। लोगों का क्या कहना है इस बारे में कि जो चार धाम की यात्रा आज से शुरू हो रही है, क्या कुछ माहौल और कितना उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है? देखिए बीते दो वर्षों से कोविड वैक्सीन महामारी के चलते इस यात्रा नहीं हुई थी और इस बार यात्रा पूरी तरह से संचालित की जा रही है। तमाम प्रदेशों से, झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तराखंड हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, जो तमाम प्रदेश हैं, गुजरात है और राजस्थान है, सभी प्रदेशों से जो श्रद्धालु हैं वो चारधाम यात्रा करने आ रहे हैं। उत्तराखंड के गढ़वाल के जो गंगोत्री है, यमुनोत्री है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, तमाम धामों पर जो श्रद्धालु हैं वो चारधाम यात्रा करने जा रहे हैं और श्रद्धालुओं में काफी उत्साह है। हमने बीते रोज श्रद्धालुओं से बात की थी, उन्होंने साफ कहा है कि इस बार हम यात्रा करने आए हैं और हमें गढ़वाल बहुत अच्छा लगता है, साथ ही बाबा भोले के दर्शन करने जा रहे हैं। आज अक्षय तृतीया का दिन है तो गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलेंगे, उसके बाद 6 तारीख को बाबा केदारनाथ के कपाट खुलेंगे और 8 मई को बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे सुबह 6:15 पर। इसी के लिए श्रद्धालु यहाँ से लगातार यात्रा कर रहे हैं और कहा जा सकता है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में ऋषिकेश कंपाउंड में श्रद्धालु पहुंचे हैं, फोटोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन करा करके अपनी यात्रा को निकल रहे हैं। जी, देखिए दो अरसे के बाद जो चारधाम की यात्रा है वो शुरू हो रही है, लेकिन अगर हम बात करें उत्तराखंड की तो पर्यटन के लिहाज से ये राज्य बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और चारधाम की यात्रा जो है वो पर्यटन के लिहाज से देखें तो लोग इसको एक अवसर की ओर अवसर के रूप में यहाँ पर देखते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ खबरें भी इस तरह से आ रही थी कि जिस तरह से कोरोना के मद्देनजर भी यहाँ पर है तो चारधाम की यात्रा में तमाम तरीके की जो लिमिटेशंस है वो लगाई गई है, तो क्या व्यापारी वर्ग इसके बारे में कुछ कह रहे हैं कि किस तरीके से उनके व्यापार पर असर पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर पर्यटन पे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण लिहाज हो जाता है, पर्यटन के दृष्टि से उत्तराखंड बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, चारधाम की यात्रा एक तरह से पर्यटन के लिए बहुत ही ज्यादा अवसर के रूप में आती है, लेकिन क्या कुछ लिमिटेशन की वजह से व्यापारी वर्ग कुछ कह रहे हैं इस बारे में कि उनके व्यापार पर असर पड़ सकता है? देखिए बिल्कुल पर्यटन से जुड़े जितने व्यापारी हैं, खासतौर पर जो परिवहन एजेंसियां हैं, उनका जरूर कहना है कि जो पाबंदियां हैं वो ना लगाई जाए और तमाम तरह की जो पाबंदियां वो उनको छूट दी जाए, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से रोजी रोटी का संकट इन पर्यटन व्यापारियों को झेलना पड़ रहा है, व्यवसायी जो है वो रोजी रोटी के संकट से जूझ रहे हैं और इस बार यात्रा अगर खुली है तो वो चाहते हैं कि इस बार जो यात्रा है वो मुकम्मल तौर पर चले, पूरी तरह से संचालित हो और ये यात्रा जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो यात्रा का भी आनंद लें और भोले बाबा के दर्शन करें, साथ ही पर्यटन से यहाँ के जो व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं, उनको जरूर लाभ होगा। हमने रोटेशन अध्यक्ष से भी बात की थी जो संजय शास्त्री हैं और पूर्व रोटेशन अध्यक्ष सुधीर राय से भी हमने बात की थी, जिनका कहना है कि इस बार जो अपार भीड़ आ रही है इससे व्यापारियों को काफी लाभ होगा, पर्यटन व्यवसायियों को भी काफी लाभ होगा।
जी बेशक सी बात है कि व्यापारी जो है उनमें एक खुशी देखने को मिल रही है, क्योंकि पिछले 2 सालों से जब चारधाम की यात्रा प्रभावित रही, बंद रही, तो पर्यटन पे इसका असर देखने को मिला, लोगों की कमाई नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब जब से ये जो चारधाम यात्रा है वो शुरू हो गई है, तो पर्यटन के लिहाज से ये बहुत ही ज्यादा एक खुशी की बात व्यापारियों के लिए हो गई है, क्योंकि एक अवसर है, एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण अवसर है ये, और व्यापारियों के लिए भी एक अच्छी कमाई का एक अवसर हो सकता है। तो व्यापारियों का क्या कुछ कहना है कि उसे एक अवसर की तरह देख रहे हैं यहाँ पे, और जितने ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे उतनी ही खुशी के बाद व्यापारियों के लिए यहाँ हो सकती है। पिछले 2 साल की जो एक तरह से भरपाई जो है वो इस बार हो सकती है जब चारधाम की यात्रा शुरू हो रही है। बिल्कुल, देखिए जो व्यापारी हैं और जो पर्यटन व्यापारी हैं, पर्यटन व्यवसायी है, देखिए वो जो पिछले कई सालों से, 2 सालों से जो इन्होंने बैंकों की किस्तें नहीं जमा की थी, उनका ये कहना है कि इस पर जो यात्रा चलेगी उससे अपने जो गाड़ियां हैं उसके बैंकों की किस्तें जमा करेंगे, साथ ही जो घर परिवार चलता है उस घर परिवार को बहुत अच्छे से चला पाएंगे। तो यात्रा पर सब कुछ निर्भर करता है, इसीलिए उन्होंने सरकार से कहा है कि जो यात्रा है ये पूरी तरह से सुचारू चलनी चाहिए थी और चलनी चाहिए। और अभी भी ये व्यापारी जो है ये यहाँ पर यही मांग करते हैं कि यात्रा है वो मुकम्मल तौर पर चले, ताकि जो 2 साल से रोजी रोटी का संकट था, जो व्यापारियों का जो संकट था वो दूर हो सके, और ये अवसर के तौर पर जरूर देख रहे हैं व्यापारी। जी बेशक, व्यापारियों के लिए खुशी की बात है, इसी के साथ साथ सैलानियों में भी एक खासा उत्साह है जो है, क्योंकि 2 साल के बाद चारधाम की यात्रा शुरू हो रही है। अगर वहां पर हो सके तो लोगों से भी बात करने की कोशिश कीजिए कि जो सैलानी वहां पर पहुंच रहे हैं उनमें किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है और क्या कुछ रिएक्शन उनके सामने आ रहे हैं, क्योंकि 2 साल के बाद ये चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। रजिस्ट्रेशन कराने आए हैं यहाँ पर कुछ रजिस्ट्रेशन कराने आए हैं सैलानी है, और ये किस तरह से यहाँ पर यात्रा को करने आए, इनसे हम बात करें। कहाँ से आए हैं मैडम आप? हम महाराष्ट्र से। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कोई यात्रा करने जा रहे हैं आप, बाबा भोले के दर्शन भी करेंगे और यहाँ उत्तराखंड की वादियों को भी निहारेंगे, तो कैसा लग रहा है आपको? किस बहुत अच्छा लग रहा है, हम फर्स्ट टाइम आए हैं, हमको बहुत अच्छा है, फुल एंजॉय भी कर रहे हैं। जो यहाँ की उत्तराखंड की व्यवस्था है उनसे आप खुश हैं? बहुत अच्छे, बहुत खुश है। देखिए कुछ यहाँ पे जो श्रद्धालु आए हैं वो काफी खुश हैं, क्योंकि उत्तराखंड में पिछले 2 सालों से जो श्रद्धालु वो नहीं आ पाए थे, और इस बार जो यात्रा हो रही है उस यात्रा को यहाँ पर दर्शन करने, बाबा भोले के दर्शन करने, भगवान बद्री नारायण के दर्शन करने, चारों धामों के दर्शन करने लगातार यहाँ पर सिर्फ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, और उनका यही कहना है कि बहुत सुंदर वादियां हैं उत्तराखंड की और हम चाहते हैं कि उत्तराखंड में आए। जी देखिए, कोरोना के मद्देनजर हमने आपसे जाना कि तमाम तरीके की जो व्यवस्था है वो की गई है, लेकिन अगर मैं बात करूं सुरक्षा की, तो सुरक्षा के लिहाज से किस तरीके की तैयारी जो है वो पुलिस प्रशासन ने करके रखी हुई है, क्योंकि लंबे अरसे के बाद यहाँ पे चारधाम यात्रा शुरू हो रही है, तो सुरक्षा एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पहलू हो जाता है, तो उसके लिए पुलिस प्रशासन किस तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है, क्या भारी जो अतिरिक्त पुलिस फोर्स है वो तैनात की गई है? देखिए यहाँ पर पुलिस फोर्स अगर कहें सुरक्षा की दृष्टि से तो पर्याप्त है यहाँ पर, और जो ट्रैफिक को जाम होता है ट्रैफिक के लिए ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर रखी गई है, और जाम से निजात पाने के लिए जो भी जो श्रद्धालु अपने वाहनों से ऋषिकेश पहुंच रहे हैं और ऋषिकेश से चारधाम यात्रा के लिए रवाना हो रहे हैं उनको जाम से निजात मिले इसके लिए ट्रैफिक व्यवस्था की गई है, और यहाँ पर महिला पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया है। देखिए हमारे जो साइड में महिला पुलिस कर्मी यहाँ से जा रही है, तो एक यहाँ पर व्यवस्था के तौर पर महिला पुलिस कर्मी और पुलिस के जवान जो यहाँ पर है वो मोस्टेडी से तैनात है। पुलिस ISBTA कंपाउंड में यहाँ पर जो पुलिस कर्मी है वो तैनात है, ताकि यहाँ पर कोई अव्यवस्था ना हो, श्रद्धालु की अगर भीड़ पड़े तो उस भीड़ को कंट्रोल किया जाए, ये पुलिस की जिम्मेदारी है, और साथ ही जो व्यवस्था है वो यहाँ पर पूरी तरह से चाकचौबंद है। जी बहुत बहुत शुक्रिया बसंत जी तमाम जानकारी देने के लिए हमें। तो ऋषिकेश से बसंत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, तमाम जो जानकारियां हैं वो दे रहे थे। जिस तरह से आज चारधाम की यात्रा शुरू होने वाली है, ऋषिकेश में तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं वो की गई हैं, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है, इसके साथ साथ कोरोना के मद्देनजर भी फॉगिंग जैसी व्यवस्था श्रद्धालुओं के लिए सैलानियों के लिए की गई है। इसके साथ साथ सैलानी जो है उनमें भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि 2 साल के बाद ये जो चारधाम की यात्रा है वो शुरू हो रही है, और एहतियात के तौर पर तमाम तरीके की जो व्यवस्था है वो पुलिस प्रशासन की ओर से की गई है। अक्षय तृतीया के इस पावन पर्व पर आज गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने वाले हैं, इसके साथ साथ केदारनाथ बद्रीनाथ के कपाट भी कुछ दिनों में खुल जाएंगे, और इसी के साथ चारधाम की यात्रा जो लंबे इंतजार के बाद आज शुरू होने जा रही है। और अगली खबर लखनऊ से, जहां सीएम योगी आज 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड जाएंगे।
सीएम योगी आदित्यनाथ का 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरा। 3, 4 और 5 मई को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। यमकेश्वर गुरु अवैधनाथ की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। यमकेश्वर के गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय में अनावरण करेंगे। 4 मई को सीएम योगी अपने पैतृक गांव पहुंचेंगे। 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, जहां पर अपने गांव भी जाएंगे। सीएम योगी 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड जाएंगे और इसी के साथ अपने पैतृक गांव भी पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 5 मई को सीएम योगी हरिद्वार पहुंचेंगे। हरिद्वार में होटल का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो आज से 3 दिन के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड में रहेंगे और इस दौरे के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ अपने पैतृक गांव भी जाएंगे। एक लंबे अरसे के बाद ऐसा हो रहा है जब अपने पैतृक गांव अपने परिजनों से मिलेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 3, 4 और 5 मई यानी 3 दिन उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। यमकेश्वर गुरु अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। यमकेश्वर के गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय में अनावरण करेंगे और इसी के साथ 4 मई को अपने पैतृक गांव पहुंचेंगे सीएम योगी, जहां अपने परिजनों से मुलाकात करेंगे। एक लंबे अरसे के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ अपने पैतृक गांव पहुंच रहे हैं। तमाम परिजनों से मुलाकात करेंगे और ऐसा माना जा रहा है कि अपनी मां से भी मुलाकात कर सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। हरिद्वार में होटल का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी। तो आज से 3 दिन के उत्तराखंड दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे, जहां पर 3, 4 और 5 मई को उत्तराखंड के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। यमकेश्वर गुरु अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और इसके साथ ही अपने पैतृक गांव भी पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। यमकेश्वर के गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय में प्रतिमा का करेंगे अनावरण और एक लंबे अरसे के बाद 4 मई के दिन अपने पैतृक गांव भी पहुंचेंगे, जहां अपने परिजनों से मुलाकात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आज से 3 दिन का उत्तराखंड दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का शुरू हो गया है, जहां पर 3, 4 और 5 मई को उत्तराखंड में रहेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। 4 मई के दिन अपने पैतृक गांव पहुंचेंगे, परिजनों से मुलाकात करेंगे और इसी के साथ 5 मई को हरिद्वार में होटल का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और योगी आदित्यनाथ के इस दौरे को लेकर के तमाम तरीके की तैयारियां भी की जा चुकी हैं। यमकेश्वर गुरु अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश वर्मा जी, आज से 3 दिन के उत्तराखंड दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इनके पूरे कार्यक्रम को लेकर के और क्या कुछ व्यवस्था जो है सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम को लेकर की गई है? देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि 3 दिवसीय दौरा जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ का है और पहली बार ये दौरा जो है महत्वपूर्ण दौरा है और पहली बार जो है मुख्यमंत्री बनने के बाद जो है अपने गांव भी आएंगे और साथ ही जो है उनका यमकेश्वर विधानसभा में जो उनका गांव है पंचूर तहसील में, वहां पर वो पहुंचेंगे और यमकेश्वर जनपद पौड़ी में दोपहर लगभग 2:30 बजे के करीब यहां पर पहुंचेंगे। और साथ साथ बता दें कि पूरी व्यवस्थाएं जो है वो तमाम जो है वो कर ली गई है प्रशासन द्वारा और साथ ही जो है वहां पर वो पहुंचेंगे और अपने गुरु की जो प्रतिभा है उसका अनावरण जो है वो वहां पर करने आ रहे हैं। और इसके साथ साथ जो परिसंपत्ति मामले जो है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में जो चल रहे थे उसको लेकर के भी कहा जा सकता है कि जो हरिद्वार में अलकनंदा होटल है वो आज उत्तराखंड को जो है वो समर्पित करेंगे और इसके साथ साथ जो है उत्तर प्रदेश को जो नया
भवन मिला है तो वो उसका जो है उसका शुभारंभ जो है वो करेंगे, और साथ ही कहा जाए कि पूरी तैयारियां कर ली गई है और ये प्लान जो है उनका अपने परिवारजनों से मिलने का भी है, क्योंकि परिवार के लोग जो है वो लगातार जो है प्रयास कर रहे थे कि आदित्य योगीनाथ जो है इस बार अपने गाँव आए, अपने जो अपनी माता है अपनी बहने हैं उनके साथ मुलाकात करें, और कुछ तमाम तैयारियां जो है वो कर ली गई है, और उनके घर की बात करें तो घर पर भी जो है तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो कल देर रात से ही जो है वो चौकन्ना है, और आज सुबह से हम देख रहे हैं कि लगातार जो है उनके जो उनका घर है जो उनका आवास है वहां पर उनके परिजन और रिश्तेदार जो है वो आ रहे हैं, क्योंकि आज जो है आदित्य योगीनाथ जो है वो बड़े लंबे अरसे के बाद जो है वो अपनी माँ से भी मिले मुलाकात करेंगे और अपनी बहन से भी मुलाकात करेंगे, तो एक क्षण जो है इस समय कहा जा सकता है कि एक भावुक क्षण जो है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि पहली बार जो है मुख्यमंत्री बनने के बाद काफी अरसे के बाद कहा जाए कि कहना बिल्कुल संभव होगा कि काफी अरसे के बाद जो है आदित्य योगीनाथ जो है आज अपने पैतृक गाँव आएंगे और अपने परिवारजनों से मिलेंगे। जी बेशक आज लंबे अरसे के बाद वो अपने गांव जा रहे थे, देखिए तमाम कार्यक्रमों में तो शिरकत करेंगे लेकिन उनका एक कार्यक्रम पैतृक गांव जाने का भी है, परिजनों से मिलने का भी है, अपनी माँ से मुलाकात भी करेंगे, और शायद ये पहली बार अभी क्योंकि 2020 में उनके पिता का देहांत हुआ था, तमाम कोरोना की बंदिशें थी जिस वजह से वो अपने पैतृक गाँव नहीं पहुंच पाए थे, और इसके बाद ये पहली बार होगा उनके पिता की मृत्यु के बाद जब वो परिजनों से मिलेंगे मुलाकात करेंगे, तो एक बेहद ही भावुक पल हो सकता है पूरे माहौल में जब वो अपने परिजनों से मुलाकात करेंगे। देखिए क्योंकि जो आदित्य योगीनाथ है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और साथ ही कहा जाए कि जो उन्होंने भगवा चोला जो पहन लिया है तो कहीं ना कहीं एक कहा जाए कि वो एक समाज से बिल्कुल अलग हो जाते हैं, धर्म से जुड़ जाते हैं, उनकी भावनाएं जो है वो बिल्कुल अलग हो जाती हैं, तो ये एक एक मेन बात है, और यही कारण है कि जब से योगी जो है योगी बने हैं आदित्य योगीनाथ तो तब से जो है वो उन्होंने जो अपने परिवारजन है अपने हालांकि उनके पिता की जो है मृत्यु हो चुकी, वो उनके दाह संस्कार में भी नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन उनके साथ साथ अगर बात करें जो एक भावुकता है उसको नकारा नहीं जा सकता, जो एक साथ है जो उनकी माँ के साथ जो एक रिश्ता है, उनकी बहने हैं जो तीन बहने हैं उनके साथ जो उनका रिश्ता है तो उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से आज एक अद्भुत नजारा जो कहा जा सकता है एक मिलाप का वो आज देखने को मिलेगा, क्योंकि आदित्य योगीनाथ जो है मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, इस देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री है, और उनका यहाँ पर आना और एक पहली बार जब से वो अपना घर छोड़ करके जब गए थे और उसके बाद आज वो अपने घर पहुंचेंगे तो एक कहा जा सकता है कि एक ऐतिहासिक दिन जो है वो इसको माना जा सकता है, क्योंकि एक परिवार और परिजनों के साथ जो है इनकी मुलाकात होगी, और जो माँ उनकी बरसों से नहीं मुलाकात कर पाई थी, बरसों से उनको नहीं देखा था, सिर्फ टीवी चैनलों द्वारा जो है उनको देखा जाता था, तो आज वो साक्षात जो है वो वहां पर पहुंचेंगे, और उनके साथ साथ जो है उनकी बहनें भी वहां पर मौजूद है, उनके जो रिश्तेदार है तमाम उनके अंदर भी एक उत्साह है कि आदित्य योगीनाथ आएंगे तो आज ढेर सारी जो बातें हैं ढेर सारी जो चर्चाएं हैं वो उनके साथ करेंगे, तो एक कहा जाए कि एक बड़ा दिन है आदित्य योगीनाथ के लिए भी, और कहा जाए कि वो तमाम जो तैयारियां हैं वो सब चीजें वो प्रशासन द्वारा लगभग कर ली गई हैं, उत्तर प्रदेश की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है, और साथ साथ अगर कहें तो उत्तराखंड की सुरक्षा एजेंसियां भी हैं वो भी अपने जो कार्यक्रम है उस जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए राजेश वर्मा जी, तो जिस तरह से बता रहे थे और गंगोत्री पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुना देते। स्वागत करता हूं, और ये यात्रा ऐतिहासिक होगी हमारे चारों धामों के आशीर्वाद से, सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद से, सबकी यात्रा सरल हो सुगम हो और सबका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, सबके लिए मंगल हो, सब लोग सुरक्षित आए और सुरक्षित जाएं, इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास करेंगे। सर उनका ऐलान हो गया सर 31 मई को सर वोटिंग होगी, 3 मई को सर काउंटिंग होगी सर। नहीं, अब उपचुनाव अपने टाइम से होगा, और अपने चूँकि चंपावत क्षेत्र की महान जनता का मैं बीच में वहाँ अभी जब से उस सीट पर चुनाव का हुआ है तब से मैं 3 बार जा चुका हूँ, उस क्षेत्र की जनता का प्रेम देखकर उनका आशीर्वाद देकर अभिभूत हूँ, मैं संकल्पबद्ध हूँ कि आने वाले समय में चंपावत क्षेत्र हिंदुस्तान के नक्शे पर आएगा, वहाँ पर
पर्यटन का क्षेत्र हो, चाय का क्षेत्र हो, अनेकों अनेकों क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें असीमित समय है, हम उन सभी पर काम करेंगे। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे आप, जहां पर आज चार धाम की यात्रा शुरू हो रही है उसके बारे में बता रहे थे। सबकी जो यात्रा है वो मंगलमय है उसकी कामना। इसी के साथ साथ उपचुनावों पर भी बात करते नजर आए। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हासिल होते हैं। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है।